मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा खड़ी मशीन रोड पर जो ठाणे महानगर पालिका का दारुल फलाह गार्डन था, आज उस गार्डन को तोड़ दिया गया। इस गार्डन को रोड बेंडिंग के नाम पर तोड़ा गया है। सालों से रोड बेंडिंग के नाम पर मुंब्रा में तोड़क कार्रवाई हो रही है। आज भी मनपा कर्मी धनंजय गोसावी के साथ नगर सेवक शानू पठान मुंब्रा शहर में रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए मनपा कर्मियों के साथ कई जगहों पर जाकर सर्वे किया गया, मगर बच्चों के लिए जो मनपा द्वारा गार्डन बनाया गया है उस गार्डन को ही आज 12 मीटर तोड़ दिया गया है और इस गार्डन में जो पेड़ हैं उन्हें भी परमिशन लेकर काट दिया जाएगा। यानी रोड बेंडिंग के नाम पर अब बच्चों के साथ जहां लोग जाकर खेलते थे उसे भी अब ख़त्म किया जा रहा है, साथ ही उन पेड़ों को भी काट दिया जाएगा जिनके छांव में ये बच्चे बैठते हैं। वहीं कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी का कहना है कि ये पूरी तरह से गार्डन नहीं तोड़ा जाएगा, सिर्फ जूने रोड से गार्डन 15 मीटर तक ही तोड़ा जाएगा। मनपा मुंब्रा शहर में तो नया गार्डन बनाकर दे नहीं रही है, ऊपर से जो गार्डन है उसे मनपा कर्मियों के साथ मिलकर शानू पठान रोड बेंडिंग के नाम पर तोड़ दे रहे हैं। जवाब में कह रहे हैं कि मुंब्रा शहर में नया गार्डन बनाकर शहर को दिया जाएगा, रोड बेंडिंग के नाम पर जिनके दुकानें तोड़ी गई थी आज तक उन्हें नहीं मिला है और ये गार्डन तोड़ने के बाद नया गार्डन बनाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अभी और भी मुंब्रा शहर में कई जगहों पर रोड बेंडिंग के नाम पर कार्रवाई होनी है। देखें किस तरह से रोड बेंडिंग के नाम पर बच्चों का खेलने वाला ये दारुल फलाह गार्डन आज तोड़ा गया। गोसावी सर, आज जो एक कार्रवाई यहाँ पर हो रही है तो ये किस लिए हो रही है? ये रोड बेंडिंग की कार्रवाई है। 2015 में 2016 में जो रोड बेंडिंग का काम मुंब्रा से डेमोलिशन करके वाइंडिंग के लगे जगह मिल गई थी, लोगों का छपरा तोड़ के और कई दुकान भी तोड़ गए थे, वो पोर्शन हमारा काम चालू था। वो बीच में इलेक्शन का पीरियड है तो उस पर थोड़ा काम स्लो चल गया था और बारिश में थी, मगर पिछले 2-3 स्टैंडिंग में यही सब्जेक्ट कि मुंब्रा का काम रोड का कंटिन्यू नहीं चल रहा है। तो आज सवेरे से शानू भाई अपने जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है उनको ही साथ में ले गया, चलो अपन कनेक्टिविटी किधर किधर बाकी है ये पूरा सर्वे हमने किया और जो गटर डिस्कनेक्ट है पैच वर्क किया है जैसा अवेलेबल स्पेस होता है, मगर आज हमने वो कंटिन्यूटी कैसा हो जाएगा गटर का, रोड का कैसा कंटिन्यूटी हो जाएगा वो काम अपना चालू कर दिया। जिधर एब्स्ट्रक्शन थे वो पॉइंट पे एक 16 पॉइंट थे, उसमें से खाली एक प्रॉब्लम अपने को ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, वाटर लाइन जो ऊपर आ गई है उसको थोड़ा टाइम लगेगा और दूसरा मेन एब्स्ट्रक्शन एक गार्डन का था, इतना बड़ा 150 मीटर लंबा गार्डन का था और ये क्रोनिक स्पॉट है और मुंब्रा का सेंटर है, इसमें अपने बाजू में मस्जिद बड़ी मस्जिद है सबसे मुंब्रा की, इसके लिए सब लोग नमाज ही आते हैं, जुम्मा के दिन भी आते हैं, रमजान में तो बहुत भीड़ होती है, इसके लिए रमजान से पहले इसको निकालना बहुत ज़रूरी था, फिर भी अपन ऐसा कोशिश किया है कि गार्डन भी बचे और अपना रोड वाइंडिंग भी हो जाए 10 फुट का, जिधर झाड़ ज़्यादा है रोड से जो है आप कितना फुट जो है ऐसा तो पूरा गार्डन जाता है, पूरा गार्डन जाता है, फिर भी वो साइड में झाड़ बहुत है, इसके लिए अपन 10 फुट छोड़ दिया उधर से और इधर से अपन 20 फुट लिया है, वो 20 फुट तक अपने को जिधर झाड़ कम है 5 झाड़ है खाली, उधर ज़्यादा है, ज़्यादा झाड़ है और ओपन स्पेस है अवेलेबल, वो जगह अपन यूज़ कर रहे हैं रोड वाइंडिंग के लिए। तो जो बच्चों के जो झूला वगैरह ये सब लगे ये क्या सब तोड़े जाएंगे? नहीं, ये ट्रांसफर वो साइड में करेंगे, वो साइड में खाली लेंथ रहेगी उतनी, विड्थ कम हो जाएगी वो। और ये जो ये झाड़ आ रहे हैं ये झाड़ों को काट, अभी ये 5 झाड़ है ना आपने ये साइड में सर्वे किया, अपन 5 ही झाड़ है, उसमें से एक झाड़ खराब हो गया था ऑटोमेटिकली गिर गया, वो देखा सब लोगों ने, तो बाकी का झाड़ का जो प्रोसीजर पहले जो सैंक्शन किया है हमने उसको हम मुदतवाड़ लेके उसका प्रोसीजर पहले गटर करेंगे। गोसावी सर, पूरे मुंब्रा में यही इकलौता एक गार्डन ये बचा हुआ था और आज इस गार्डन को भी तोड़ दिया गया है, इसकी जो जगह थी वो कम किया जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि कम किया जा रहा है, तो इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आते थे अब वो कहाँ जाएंगे?
लोगों के लिए गार्डन बची पूरा रिमूव नहीं किया है। जो ओपन स्पेस था गार्डन का, अभी भी सुनो फिर से, जो ओपन स्पेस है जिधर कोई खिलौना नहीं लगा है वो स्पेस अपन यूज कर रहे हैं, और जो बचे हो जो खिलौने है अपन एक बड़ा खिलौना है वो खाली अपने को निकलना पड़ेगा, बाकी का छोटा खिलौना जो स्पेस अवेलेबल है उधर कल से आज रात से दीवार बांध के कंपाउंड बाउंड्री पूरी हो जाएगी गार्डन की। उसका जितना स्पेस था वो गार्डन अपन कम किया, बात बराबर है, मगर ये इसका मिसयूज भी हो रहा है। इधर इधर देखो ये बकरे किसने लाके रखे, ये देखो ये बकरे देखो, और इधर सर्विस सेंटर देखा ना, टाकी बिक्की सब ये जो जगह थी जो कमर्शियल यूज कर रहे थे वो जगह मैं ले रहा हूँ और उधर रोड वाइंडिंग कर रहा हूँ। जो गार्डन ओरिजिनल गार्डन है वो ओरिजिनल गार्डन दीवार बांध के अपन लोगों के कम जगह में अच्छा फैसिलिटी देके अच्छा यूज हो जाएगा उसका। यानी आप ये नए तरीके से इस गार्डन को फिर बना, यस यस यस, कम स्पेस में अच्छा गार्डन बना के दूंगा। आज जो ये कार्रवाई आप करवा रहे हैं, खुद साथ साथ में चलकर जो ये कार्रवाई करा रहे हैं, क्या जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है गार्डन खत्म किया जा रहा है सही है? देखिए ऐसा है ना, डेढ़ साल पहले मुमरा को रोड बाइंडिंग के नाम पर तोड़ा गया। मैंने स्टैंडिंग के अंदर तीन स्टैंडिंग में कंटिन्यू यही मुद्दा उठा रहा हूँ कि थाना कलवा और सभी जगहों पे अच्छे रास्ते बन गए, मुमरा कौसा को उजाड़ के क्यों छोड़ दिया गया? उसके जो रास्ते तोड़े गए उसको मुमरा कौसा को एक खूबसूरत रास्ता देना चाहिए। इसी वजह से माननीय आयुक्त साहब ने ये कहा था कि जो अड़चन है उन अड़चनों को दूर करके मुमरा कौसा के मुख्य रास्ते का काम तेज़ी से शुरू किया जाए। इसके बाद हम लोग आमदार जितेंद्र रावत साहब से बैठे और अधिकारियों के साथ मिलकर डिस्कशन किया। आमदार जितेंद्र रावत साहब ने आदेश दिया कि जो जो बॉटल लेके जो प्रॉब्लम हो रहा है उन एरिया को सोल्यूशन निकाल के काम को तेज़ी से शुरू किया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सुबह 8 बजे से सभी अधिकारी मुमरा कौसा के अंदर जगह जगह ढूंढे, कहाँ कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कहाँ अड़चन हो रही है मुमरा कौसा को एक ज्वाइंट रास्ता देने के लिए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है स्टेशन से लेके कौसा तक, वहाँ पॉइंट निकाले। 16 जगह मेजर पॉइंट है और 27 जगह मुल्क के टोटल है, बाकी जगह पे पानी की लाइनें ऊपर है। इसी के मद्देनजर रखते हुए दोनों ये सारे 27 पॉइंट हम इंशाल्लाह ताला आज से प्रशासन के साथ दूरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में बारिश से पहले मुमरा कौसा को एक मुख्य रास्ता दिया जाएगा। आपके माध्यम से प्रहार टाइम के माध्यम से मैं मुमरा कौसा की आवाम को एक ज़रूरी सूचना भी देना चाहता हूँ कि अफवाहों पर भी ध्यान ना दे। लोग ये भी बोल सकते हैं कि घर टूटने वाले, दुकान टूटने वाले, हाँ डीपी जो है जो डीपी लाइन है उसके हिसाब से अगर रास्ता बनाया जाएगा तो 350 या 370 रोड घर देना पड़ेंगे और 400 दुकानें। इससे महानगर पालिका के पास इतने घर अवेलेबल नहीं है, ना ही दुकानें, पहले की कई लोगों की दुकानें आज देना पेंडिंग है। लेकिन जिस तरह से आपने इस गार्डन के रोड बेंडिंग के लिए गार्डन को आज तोड़वा रहे हैं साथ साथ में, तो क्या आपने वहां सभा में मुमरा शहर के लिए किसी गार्डन की मांग की, आवाज़ उठाई कि अगर ये गार्डन तोड़ा जा रहा है तो क्या और मुमरा शहर के लिए कोई गार्डन मिलना चाहिए जहां लोग जाएं अपने बच्चों के साथ खेल सके, घूम सके? मैं आपको उसका बात का जवाब बाद में देता हूँ। एक ज़रूरी आपको सूचना देना चाहता था मुमरा कौसा की आवाम के लिए, आपका टीम जो न्यूज़ है वो लोग देखते सिनेमा मुमरा कौसा को आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे कोई भी रोड वाइंडिंग में घर नहीं टूट रहा है, ना ही कोई आने वाले वक्त में दुकान टूटेगी। आमदार जितेंद्र रावत साहब ने ये लेटर भी दिया और अधिकार कमिश्नर साहब से बात भी की, हमारी सबकी चर्चा हुई है। हम ऐसे ही जो स्थिति अभी है उसको लेकर बिल्डिंग को टच करके गटर बनाएंगे और अधिकारियों ने ये सर्वे किया हमारे साथ, ऐसे ही अगर हमने गटर रास्ता बनाया तो लेफ्ट साइड में 12 फुट और राइट साइड में दोनों बाजू 12-12 फुट रास्ता बड़ा हो जाता है एज इट इज वेर इट इज में, जिससे 15-20 साल मुमरा कौसा को ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी। मैंने गार्डन का सवाल, गार्डन के लिए आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कम से कम 2 एकड़ का मुख्य दरगाह पे गार्डन और मैदान है। घासवाला के अंदर मैदान और गार्डन का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है, 1 करोड़ रुपए का बजट भी कर गया है, आने वाले वक्त में वो भी तैयार हो जाएगा। स्टेडियम भी हमारा चालू है, लेकिन सबसे बड़ा मैदान और गार्डन इस प्रभाग का इधर ही है, वो 2 कदम पीछे 1.25 एकड़ का सबसे खूबसूरत बन रहा है। अच्छा, जो अभी तक रोड बन चुके हैं उसका बनाने का कोई मतलब है वहां? तो सब नहीं मतलब है, नहीं मतलब है, यही तो मेरा ऑब्जेक्शन है कि जो आपने रोड तो पार्किंग कौन हटवाया, किसकी जिम्मेदारी है उसको? तो ये इल्जाम भी लगाया प्रशासन पे, आप साथ साथ में यहाँ पर तुड़वा रहे हो, आप साथ साथ में जाके पार्किंग हटवा सकते हो ना? मैंने प्रशासन पे ये बोला भी कि आपने बिना सोचे समझे मुमरा कौसा को तोड़ दिया है, ये मेरा स्टैंडिंग में मिनट से कि आपने सोचा ही नहीं समझा नहीं कैसे तोड़ दिया। तो ये बॉटल नेक जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो दिक्कत हो रही है, उनका प्रशासन का ये कहना है कि वो मुमरा अनप्लान सिटी है, दिक्कत है,
तो हमने वो दिक्कतें कौन सी है वो दूर करने के लिए आज दारूफला गार्डन से शुरुआत की है। कई जगह पानी की लाइन ऊपर है, उसको अंडरग्राउंड करके मुमरा कौसा दोनों बाजू से 12-12 फुट रोड बड़ा होने वाला है। आज जिस तरह से आप ये तुड़वा रहे हैं गार्डन को, किस दिन ऐसे आप खड़े होकर पूरे पार्किंग को रोड पे से हटवाएंगे? बहुत जल्द हटाएंगे, एक बार मुख्य रास्ता बन जाने दिए। और बॉटल नेक जो पूछ में रुका है, रास्ते की पूरी मुमरा स्टेशन से लेकर कौसा तक पूरी कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में ट्रांसफार्मर है, बीच में पानी की लाइन है, बीच में गार्डन है। ये सारी बॉटल नेक हम लोग क्लोज करके जब मुमरा स्टेशन से लेके कौसा तक एक कनेक्टिविटी करेंगे, उस दिन हम ये आपसे वादा करते पार्किंग भी अमीरों की गाड़ियों की खड़ी नहीं होने देंगे। रोड बेंडिंग के नाम पर आज गार्डन को तोड़ दिया गया, अब यहाँ जो पेड़ हैं उन्हें परमिशन लेकर काटा जाएगा। अभी और भी ऐसी कई जगह है मुमरा शहर में जहाँ मनपा रोड बेंडिंग के नाम पर तोड़क कार्रवाई करेगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।